हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स, जिसमें मैं वाकई लेकर के आती हूँ आपके लिए बेस्ट इनकम सीक्रेट्स जो कि रिलेटेड होते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन से, हाउ टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस से, पार्ट टाइम जॉब से, वर्क फ्रॉम होम से। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप घर बैठे बैठे मनी अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वैगबक्स के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, 100% लेजिट वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप यू नो छोटे छोटे टास्क करके, माइक्रो टास्क करके, सर्वेस करके, वीडियोस वॉच करके, डेली पोल्स करके, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं एंड आप इससे मनी अर्न कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम आप इससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है, जो बाकी की ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो ये छोटे छोटे टास्क करके इस वेबसाइट में एक ठीक ठाक मनी अपने लिए अर्न कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, ब्रीफ ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया कि आप इस पे कैसे काम करोगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे, किस किस तरीके से यू नो आप इससे अर्न कर सकते हो, कैसे आपको इस पे काम करना होता है, तो आप इसकी एक प्रॉपर यू नो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहां से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपके लिए लाइव प्रूफ लाई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था, मतलब उनको डाउट था कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमारी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, ये वेबसाइट लेजिट है या नहीं है, एंड मतलब रिगार्डिंग दी प्रोसेस की पेमेंट प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, हालांकि मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कि मैं एक बार अगर मेरा थ्रेशहोल्ड कंप्लीट हो जाता है तो मैं ज़रूर आपके लिए उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं वो वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी पेमेंट प्रोसेस करी स्वैगबक्स पर, जिसमें मैंने $25 विड्रॉ करा अपने पेपैल अकाउंट में विद इन 10 डेज। ये मेरी सिर्फ 10 डेज की अर्निंग है। ठीक है, मतलब 16th of June to 26th of June। तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो स्किप ना करें 20 से, ताकि आपको यू नो किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने इसमें एक भी स्टेप स्किप नहीं करा है, पूरा डिटेल में आपको दिखाया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको बताती हूँ उसका पूरा प्रोसेस। सो गाइस, देखिए ये है मेरा स्वैगबक्स का अकाउंट। ठीक है, एंड सबसे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ। सो गाइस देखिए, 16th of June to 26th of June मैंने जो भी पॉइंट्स अर्न किए स्वैगबक्स से, वो 2503 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो फिर मैंने इन पॉइंट्स को रिडीम किया, कैसे किया वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रिडीम SB पर। ठीक है, हमें स्वैगबक्स पॉइंट्स को अपने रिडीम करना है पेपैल के थ्रू। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पेपैल कैश। ठीक है, $25 पेपैल कैश आप यहाँ पर से रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, 2500 SB पॉइंट्स। तो जब भी हमारे पास 2500 पॉइंट्स हो जाएंगे, $25 की फॉर्म में इसको अपने पेपैल में रिडीम कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, हमने क्लिक किया पेपैल पर। ठीक है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ पर अब एक ऑप्शन आ रहा है क्लेम अ गिफ्ट कार्ड। ठीक है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है उससे पहले, कि देखिए यहाँ पर जो आपका ईमेल है, जो आपका स्वैगबक्स का ईमेल है और जो आपका पेपैल अकाउंट का ईमेल होगा जिसपे आप यू नो रिडीम करने वाले हैं इस अमाउंट को, उन दोनों के ईमेल एड्रेस सेम होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि दोनों के ईमेल एड्रेस आपके सेम होने चाहिए, वरना आप इसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अब गाइज एक चीज और देख लीजिए, गाइज आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं अपने फंड्स को क्लेम करने के लिए। अगर 30 डेज हो जाते हैं और आप नहीं क्लेम करते हैं, तो आपका ये जो पेपैल, ये जो अमाउंट है, ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी आपको स्वैगबक्स रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 30 डेज से पहले आप क्लेम कर लेंगे अपना अमाउंट। ठीक है ना। तो गाइज अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लेम अ गिफ्ट कार्ड पर। ठीक है, अब देखिए, दिस इज अ कंफर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू ऑर्डर दी फॉलोइंग आइटम। ठीक है, तो हाँ, हमें कंफर्मेशन देना है, हम इसे ऑर्डर करना चाहते हैं $25 को अपने पेपैल में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस वगैरह डालना है, जो भी हमारा स्वैगबक्स अकाउंट में जो हम एड्रेस डालना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स डालनी है एंड अपना स्वैगबक्स का पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, एंड फिर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है डन एडिटिंग पर। अब देखिए ये बोल रहा है यहाँ पर, यू मस्ट प्रोसीड विद अ वन टाइम अकाउंट वेरिफिकेशन यूजिंग वन ऑफ दीज मेथड्स। तो हमें एक बार अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो हमने क्या किया है, हमने अपने टेक्स्ट के थ्रू उसको वेरीफाई करा है। ठीक है, तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एंड फिर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे सेंड टेक्स्ट पर। तो गाइस एक पिन आया होगा आपके फोन नंबर पर SMS के थ्रू। ठीक है, तो उस पिन को आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है।
ठीक है, एंड फिर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर ऑथेंटिकेट अकाउंट पर। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन ऑथेंटिकेटेड। फिर उसके बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पर कंटिन्यू पर। अब देखिए दिस इज अ कंफर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू ऑर्डर द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, $25 हमने ऑर्डर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना एड्रेस कन्फर्म करना है। ठीक है, तो हम ये अपना एड्रेस कन्फर्म कर देंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कंफर्मेशन आ गया है कि हमें ये फॉलोइंग आइटम ऑर्डर करना है। ठीक है, $25 इनटू आवर पेपैल अकाउंट। अब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपना ऑर्डर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं सेंड ईमेल पर एंड हम ईमेल के थ्रू अपना ऑर्डर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं हम। अब देखिए अब ये बोल रहा है योर वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ईमेल चेक करेंगे। सो गाइस यहाँ पर देखिए ये हमें इसकी ईमेल आ चुकी थी, You ordered a PayPal $25. तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई माई ऑर्डर पर। तो देखिए अब जो हमारा PayPal गिफ्ट कार्ड था ये वेरीफाई हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है एंड हमें अपनी ईमेल चेक करनी है। विद इन 3 to 4 बिजनेस डेज ये हमें एक ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, एंड उस पर भी एक लिंक होता है जिसके थ्रू हम इसे क्लेम कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो हमारा जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो जाता है एंड वो जो हमारी अमाउंट है, जो हमारा फंड है, वो हमारे पेपैल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट उस अमाउंट को हमारे पेपैल पे पहुंचने तक थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है। एंड अब मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगी कि जिस डेट को हमारा जो भी फंड है वो ट्रांसफर किया गया था पेपैल अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पॉइंट्स डिडक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे ओनली 3 SP हमारे बचे हैं अब। तो चलिए मैं आपको अपना पेपैल अकाउंट भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कि किस डेट को हमने वो अमाउंट जो है वो रिसीव किया था अपने पेपैल में। तो गैस ये देखिए ये है मेरा पेपैल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द रिवॉर्ड स्टोर करके जो पेमेंट आई है 30 जून को $25, ये पेमेंट हमारी स्वैगबक्स के थ्रू ही आई है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पेपैल कैश यू ऑर्डर्ड हैज बीन डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, थैंक्स फॉर यूजिंग स्वैगबक्स। ठीक है, तो ये जो पेमेंट आई है $25 की हमारे पास, ये स्वैगबक्स के थ्रू ही आई है। द रिवॉर्ड स्टोर, आप जब स्वैगबक्स की वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहां पे जब आप सर्विस वगैरह को विजिट करेंगे तो नीचे आप लिखा हुआ देखेंगे वहां पे prodage.com। ठीक है ना, तो उसी के थ्रू ये पेमेंट आई है हमारी। हमने 2500 पॉइंट्स को अपने पेपैल अकाउंट में रिडीम करा है। देखिए 30 जून को ये पेमेंट हमारे पेपैल अकाउंट में आ चुकी है। ठीक है, हमने प्रोसेस करी थी ये पेमेंट 26 को, जो कि मतलब क्लेम करने के बाद 30th को, यानी कि विद इन 4 डेज ये हमारे पेपैल अकाउंट में आ चुकी है। हालांकि ये लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 10 डेज लग सकते हैं, हमें पेशेंस रखना है 10 डेज के लिए। ठीक है, बट फिर भी मतलब 10 डेज के हिसाब से काफी जल्दी ये पेमेंट इन्होंने यहाँ पे मतलब हमने अपने पेपैल अकाउंट में रिसीव कर दी है। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको आप ट्रस्ट हो चुका होगा 100% की वेबसाइट लेजिट है एंड इस पे आप आग बंद करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ ही चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यही है कि जो भी आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप कंप्लीट दे रहे हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है अपने बारे में, ताकि उसी हिसाब से आपके पास सर्वेज आए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि उतना ही ज़्यादा काम आपको करने को मिलेगा। प्लस आपने क्या करना है, आपने एक ही वेबसाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अगर आप सर्वे या माइक्रो टास्क की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप 5-6 वेबसाइट्स पे सब पे साइन अप करें एंड सब पर साइमल्टेनियसली आप काम करें। ठीक है, ताकि अगर किसी दिन आपके पास एक वेबसाइट पे काम ना हो तो एटलीस्ट आप दूसरे पे या तीसरे पे आप काम कर पाए, है ना, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक एक ठीक ठाक अमाउंट आप अर्न कर सकें। सो गाइज आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम डेडिकेट कर सकते हैं तो आप इस वेबसाइट पे काम करें। इस वेबसाइट पे ही नहीं बल्कि इसी तरीके की बाकी की जो वेबसाइट्स हैं सर्विस माइक्रो टास्क की जो जेन्युइन है 100%, आप उन पे अकाउंट क्रिएट करके उन पे भी साथ साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी काम की कमी ना हो। ठीक है, जैसे कि क्या हो, एट द एंड ऑफ द मंथ आप थोड़ा थोड़ा काम हर वेबसाइट से भी करें
तो आप एक एक ठीक ठाक अमाउंट अपने लिए जनरेट कर सकें। साइन अप का पूरा प्रोसेस, बाकी की चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, तो मैं फिर से आपको बोलूँगी कि आप उस वीडियो को चेक करें अगर आपको प्रॉपर इस वेबसाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जाननी है तो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, जिससे कि आप सभी लोग घर बैठे बैठे मनी अर्न कर पाएं। ठीक है, सो गाइज इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।